रूस यूक्रेन में समंदर में भी जंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ, मिसाइल से हमले का वीडियो आया सामने, शॉर्ट्स दिखाएं। समंदर में शिप से यूक्रेन की तरफ मिसाइल अटैक, ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव में रूसी नेवी हुई आक्रामक। ये देखें आप तस्वीरें, कुछ दिन पहले ही बर्डियांस में दो रूसी शिप्स को यूक्रेन ने उड़ाया था। फुल फ्रेम पे शॉर्ट्स दिखाएं एक बार। जाऊंगा इसके बगल में ब्रेकिंग दिखाएं, इसके बाद एक और बड़ी खबर पे आ रहा हूं और मैं सीधे चलूंगा इसके बाद मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। बड़ी खबर, यूक्रेन के मरियोपोल में ताबड़तोड़ फायरिंग, मरियोपोल में रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच गन फाइट। सीधे शॉट दिखाएं, रूस और यूक्रेन के जवान एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। सीधे दिखाएं शॉट, एंबियंस अप करें जरा। यूक्रेन के हमले से मरियोपोल में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, ये देखें आप, तस्वीरें आपके सामने है। ये मरियोपोल में है जहां पर सिर्फ तबाही हुई है, और मरियोपोल आप सोचें बीच शहर पर, और यहां पर चेचन लड़ाके आ चुके हैं। ये देखें आप, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चेचन लड़ाकों की है, और इनको देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि इनके लिए युद्ध कोई चिंता का विषय, दे इंजॉय, और इन्हीं को शायद मर्सनरीज कहते हैं। अभिषेक उपाध्याय बड़े ध्यान से इन तस्वीरों को देख रहे हैं, वहां पर अभिषेक जा चुके हैं, एक एक चीज बताए बचाऊंगा। इसके बगल में जरा ब्रेकिंग में दिखाएं एक बार, ये तस्वीरें आपके सामने मरियोपोल में, और इस मरियोपोल में अब क्या हुआ, यूक्रेन के मरियोपोल में सिर्फ तबाही। अगली खबर दिखाएं, बड़ी खबर, यूक्रेन के मरियोपोल की अगर बात की जाए, रूसी हमले के बाद यूक्रेन में भीषण मानव त्रासदी, यूक्रेन का मरियोपोल शहर 90% तबाह हो चुका है। शॉट्स के साथ, मरियोपोल में अभी भी 1,60,000 की आबादी है जो कि इवैक्यूएट नहीं हुई है। मरियोपोल को पूरी तरह खाली करना जरूरी है, मेयर ने यह कहा है मरियोपोल के। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएं, और मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक मेरे भाई, हो क्या रहा है वहां पर? दे आर नॉट यील्डिंग। मरियोपोल भी है, वो अपने वेपन्स डालने को तैयार नहीं है, शहर पूरी तरीके से कब्रगाह बन चुका है, हो क्या रहा है वहां पर? देखिए, मरियोपोल की स्थिति अभी ये है निशांत की, वहां पर जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है कि आप मतलब अपने आप में ये इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदी है। ना खाना है, ना पानी है, वहाँ पर जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके बारे में रिपोर्ट आ रही है कि वो कई कई दिनों से एक निवाले के लिए और पानी के लिए तरस रहे। वहाँ से 12,000 लोगों को रूस ने अपनी ओर शरण दी है, और कुछ लोगों को निकाला गया यूक्रेन की तरफ से, लेकिन जो फंसे हुए हैं उनको अब निकालने का कोई रास्ता नहीं बन रहा है, क्योंकि रूस की शर्त ये है कि सरेंडर करे पहले मरियोपोल को यूक्रेन की आर्मी, उसके बाद आगे का एग्जिट सेफ कॉरिडोर दिया जाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी समस्या वहां पर यही आ गई है कि वहां पर अभी कोई बीच का रास्ता दिख नहीं रहा है, और सिविलियन सबसे अधिक पिस रहे हैं इस त्रासदी में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।